कैसे हैं आप लोग। सो आपको हम बताएंगे कहाँ पे है। और सच में पिछली बार हम गए थे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। और जैसे जैसे रमज़ान आ रहा, उस शॉप के अंदर इतनी भीड़ हो जाती है कि पैर रखना मुश्किल हो जाता है। और कपड़े को सर्च उसमें, यानी कौन सा लें ये भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना ज़्यादा कलेक्शन, इतना ज़्यादा कि आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते भाई। आपको लगेगा कि भीड़ को देखकर आपको लगेगा कि यहाँ पे कपड़े फ्री मिल रहे हैं, ऐसे सब बांट रहे हैं, कुछ इस तरह पे है वहाँ पे सच में। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और तब तक के लिए आप बने रहें। और दूसरी चीज़ ये आप सुन लीजिए कि माइक लेके नहीं जा रहे, ना ट्राईपोड लेके जा रहे, तो जिसकी वजह से अगर आवाज़ में थोड़ा फ्रीक्वेंसी वगैरह थोड़ा सा अगर क्लियर ना है तो एडजस्ट कर लीजिएगा भाई। और चलते हैं ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और जो भी लखनऊ का लोकल मेरा भाई है, लोकल सब्सक्राइबर, अगर उसको लेना तो वहाँ पर जाके अब ले कपड़ा, वहाँ पे कुर्ता पजामा 3 पीस के कपड़े, बहुत सारे कपड़े मिल जाते हैं। चलते हैं स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को, तब तक के लिए आप बने रहें और देखते रहिए तारिक अमर ब्लॉग। गाइस कि हम उस शॉप पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमको कुछ कपड़े खरीदने हैं। चल रहे हैं, देख रहे हैं, इस समय ईद आ रहा है तो थोड़ा सोचे कुर्ता पैजामा वगैरह ले लें। चल रहे, अभी दिखाते हैं उस शॉप के अंदर की भीड़, कितनी भीड़ होती है। पिछली बार भी आए थे, इतनी भीड़ थी क्या बताएं। अभी अंदर दिखाते हैं पहले कितनी भीड़ है। बाहर तो इतनी बाइकें लगी हैं कि अंदर से लगता है कि बहुत भीड़ होगी। दिखाते हैं आपको कहाँ पे है ये शॉप। चलो तो ये है भैया, इसी के अंदर है कलाम भाई, और ये हमारे भाई हैं। और दिखाते हैं आपको, ये है शॉप कुछ इस तरह। अंदर भीड़ देखो भाई, भीड़ इतनी है कि क्या बताएं। जैसे यहाँ पे फ्री बढ़ रहा है कपड़ा। चल रहे हैं गाइस, दिखाते हैं आपको अंदर। भीड़ देख लीजिए कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। कलेक्शन यहाँ पे कुर्ता पैजामा की बहुत ज़्यादा, इस जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देख लीजिए इतनी भीड़, अभी हमको भी खरीदना, खरीद ले तो फिर दिखा दें आपको सब कुछ। कलेक्शन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ही ज़्यादा है कलेक्शन। हर कलर हर डिज़ाइन का आपको मिल जाएगा, इतना भीड़ होती है। पसंद कर ले फिर दिखा दें आपको सब कुछ। आपको बता दें कि ये वाला जो कपड़ा यही पसंद किया है। भीड़ तो इतना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कलेक्शन इतना ज़्यादा कि सब कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा लें कौन सा ना लें। ये वाला इसी के ऊपर लेंगे, वाइट कुर्ता लेंगे, कंट्रास्ट अच्छा जाएगा। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है पहनने में, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। 180 रुपया मीटर दे रहे हैं। बता दें कपड़ा खरीद लिए, बिलिंग करवा रहे हैं, हो जाए बिलिंग। बहुत भीड़ है यहाँ, चारों तरफ देखो सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। मेन क्या, यहाँ कलेक्शन होने की वजह से ज़्यादा, जिसकी वजह से यहाँ भीड़ बहुत होती है। और अभी स्टार्टिंग है तो अभी जैसे बीच में होगा रमज़ान का, तो पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा इस वक्त। बहुत भीड़ है शॉप, क्लॉथ हाउस नाम है शॉप का। हमको दे देना, पेमेंट करेंगे, बिलिंग करवा लें आपको, फिर दिखाते हैं। इतने लोग बैठे, सब बिलिंग कर रहे हैं बैठे बैठे। अब इतनी भीड़ है, एक काउंटर के बस मैंने एक काउंटर उधर लगा, बाकी इधर सब मैनुअली बिलिंग करते हैं। कलेक्शन देखो कितने सारे कलेक्शन हैं। जिस किसी भाई को आना भाई, यहाँ पे ज़रूर आके देखे। इतना कितना कपड़े का कलेक्शन है, दिमाग ख़राब हो जाएगा। चाहे 3 पीस का हो, चाहे कुर्ता पैजामा का हो, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कौन सा लें कौन सा ना लें। अब हम लोग निकल, फाइनल कपड़ा ले लिए कुर्ता पजामा का। हमने कहा जल्दी ले रहे क्योंकि बाद में होता बहुत ही दिक्कत होती सिलाई उलाई के लिए, कोई मिलता नहीं है, जिसकी वजह से जल्दी ले लिए।
बता दें हम जो लिए कपड़ा यही लिए हैं और आए हैं टेलर के यहाँ देने। यार जिसकी शॉप पे गए थे इतना भीड़ था कि पूछो ना भाई, इतना भीड़ था। ये आपका कुर्ता का रहेगा और ये आपका पैंट रहेगा, सिल जाएगा पूरी तरीके से, तब बता दिखाएंगे आपको। और इस समय टेलर के यहाँ लाएँ सिल जाए फिर पहन के दिखाएंगे आपको। तो बहुत ज़बरदस्त था उसके यहाँ यार, इतना कलेक्शन था कि आप लोग ज़रूर जाके आप खरीद सकते हैं। अगर भाई लखनऊ का कोई होगा या लखनऊ से अगर कुर्ता पैजामा ख़रीदना चाह रहे हो तो खड़े कपड़े वहाँ पर ले सकते हैं आप जाके। और बहुत बेहतरीन है, शॉप का नाम ये है शालू क्लॉथ हाउस। ये है ब्रो।